हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ई लर्नर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 ऐसे स्टडी मेथड्स की जो आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज बनाएगा, आपके नोट्स को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव बनाएगा और आपके नोट्स को याद रखने की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, और उन्हें बहुत सारी नॉलेज को एक साथ याद करना होता है, सब कुछ मेमोराइज करना होता है, पर ये काफ़ी मुश्किल होता है हम में से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनसे बहुत लंबे देर तक बैठ के काम किया नहीं जा सकता, जिनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत चंचल होते हैं। तो उन लोगों के लिए मेथड्स काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इनके स्टडी मेथड्स में कुछ मेथड ऐसे हैं जो आपकी स्टडी को डिसिप्लिन बनाने के लिए है, कुछ ऐसे हैं जो आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए है, आपके स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और कुछ स्टडी मेथड्स ऐसे हैं जो आपको रिविजन्स रिकॉल करने में, मेमोराइज करने में हेल्प करेंगे। तो चलते हैं हम पहले मेथड की तरफ। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है वो फ्रांस के एक स्टूडेंट जो कि डेवलपर भी थे, फ्रांसिस्को सिलेरियो ने दिया था पोमोडोरो टेक्निक। इस पोमोडोरो टेक्निक का नाम पोमोडोरो क्यों पड़ा, क्योंकि पोमोडोरो जो होता है इटालियन में टमाटर को बोलते हैं, टोमेटो को। तो उनके पास, फ्रांसिस्को सिलेरियो के पास जो थी एक घड़ी थी, एक टाइमर था जो टमाटर के शेप का था, और इसलिए इसका नाम पोमोडोरो टेक्निक पड़ा। तो फ्रांसिस्को सिलेरियो क्या करते थे कि उनको जब भी जो भी कोई काम होता था, कोई स्टडी असाइन होती थी, कुछ भी होता था, तो वो उस टास्क को सेट करते थे और उसको 25 मिनट का एक फोकस ड्यूरेशन बना लेते थे। उस 25 मिनट के फोकस ड्यूरेशन में वो उस काम को करते थे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते थे, फिर उसके बाद फिर उनका 25 मिनट का फोकस ड्यूरेशन होता था, और उस पूरे 25 मिनट फोकस टाइम और 5 मिनट के ब्रेक के टाइम में उनकी वो हेल्प करती थी, वो जो टमाटर के शेप की घड़ी थी। इसलिए इस टेक्निक को उन्होंने पोमोडोरो टेक्निक बोला। तो बेसिकली ये टेक्निक क्या है, इसमें हम पहले एक टास्क असाइन करते हैं खुद को। ये टास्क कुछ भी हो सकता है, लाइक हमें कितनी देर तक कोई स्टडी मटेरियल पढ़नी है, लाइक कोई नोट्स बनाना है किसी सब्जेक्ट के, किसी टॉपिक को हमने चूज कर लिया कि आज हम इतनी देर में 2-3 घंटे में ये टॉपिक खत्म कर देंगे, या इस टॉपिक के नोट्स बना लेंगे, या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं, जितने कंटेंट्स हैं उनको देख लेंगे। तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि इसमें है, अगर हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और कि इस टॉपिक पे आज अपने को पढ़ना है ना, तो अपन क्या करेंगे, एक टास्क असाइन किया हमने कि ये कोई टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट है या जो ग्लाइकोलिसिस है या जो भी है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया टॉपिक को, और फिर उसके बाद हम 25 मिनट तक उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, जितने स्टडी मटेरियल्स होंगे, या फिर जिस भी तरह से हमें पढ़ना, जो भी कंफर्टेबल लगे, लाइक वीडियोस के थ्रू या बुक्स के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू, तो हम 25 मिनट की ड्यूरेशन में उसको उस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जब 25 मिनट कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे क्लॉक से जब 25 मिनट के ड्यूरेशन पे एक अलार्म बजेगा, उसके बाद हमें बुक्स बंद कर देनी है, वो स्टडी बंद कर देनी है, और 5 मिनट का हमें ब्रेक लेना है। और इस तरह से हम 2-3 साइकिल, 4 साइकिल करते हैं, 2-4 बार इसको रिपीट करते रहते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, हर बार वही काम करना है आपको कि 25 मिनट तक फोकस टाइम है आपका, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, और 5 मिनट जो है वो आपका ब्रेक टाइम है। हर 4 ऐसे ब्रेक, मतलब स्टडी टाइम फिर ब्रेक टाइम, स्टडी टाइम ब्रेक टाइम, ऐसे 4 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद हम एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, जो 15-30 मिनट का हो सकता है, या आपको और लंबा ब्रेक चाहिए तो 50 मिनट का हो सकता है, और उसके बाद वापस से हम फिर बैठ के इस तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेथड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको थोड़ा देखना भी होता है आसपास घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बना है खाने में। तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत कन्वीनियंट होती हैं कि उनने 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट में उठ के जाके किचन में देखा है, एक टीवी एड ब्रेक देख लिया, कुछ भी देख लिया, या फिर कुछ बीच में स्क्रॉल कर लिया। तो नहीं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक घंटा कब बीत जाता है हमें पता नहीं लगता है। तो हमें सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, है ना। तो पोमोडोरो टेक्निक समराइज करते हैं अभी। इसमें क्या है, हमको एक टास्क असाइन करना है, 25 मिनट उस पर फोकस करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से हमें उसी जगह बैठ के वापस एक नए टॉपिक पे पढ़ाई शुरू कर देनी है, और ऐसे 4 साइकिल्स करने के बाद हमको एक लंबा ब्रेक मिल सकता है, क्योंकि 15 या 15-20 मिनट, 30 मिनट
या 50 मिनट तक का हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड होता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग जो है वो हमको हेल्प करेगा अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में। हमने बहुत बार देखा है कि अगर हम किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ते हैं, कहानी के तरह से पढ़ते हैं, 2-3 पन्नों का नोट्स बना लिया, तो वो हमें बोरिंग भी लगेगा, हम उसको रिवाइज करने में डिफिकल्टी फील करेंगे। तो ऐसे टाइम के लिए माइंड मैप जो होते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक को डायग्राम के फॉर्म में इमेजिन करते हैं कि या फिर कोई प्रोसेस है, कुछ भी कोई प्रोसेस चल रही है, तो उसके स्टेप बाय स्टेप को हम एक दूसरे से कोरिलेट करके डायग्राम बना लेते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि जब हमें एग्जाम टाइम में 1 मिनट में 10 बार कोई चीज़ रिवाइज करनी है, तो हमने उस डायग्राम को देखा और 10 बार वो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली इसको हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि मान लो अपने को ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है ना, तो ग्लाइकोलिसिस फिर क्या करना होता है, वो जो फ्लो चार्ट है इटसेल्फ अ माइंड मैप, वो खुद भी एक माइंड मैप का फॉर्म है कि अब इस स्टेप के बाद ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप, ऐसा करके 11 स्टेप्स हो गए। तो ये जो है ये माइंड मैपिंग का तरीका है। अब इसमें क्या करते हैं कि सेंट्रल आइडिया होता है एक, और उससे रिलेटेड जितने भी अगर ये है तो इतने एंजाइम इन्वॉल्व हैं, इतने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इतने NADP बन रहे हैं, इतने ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतने ATP निकल रहे हैं। तो इस तरह से अपने को किसी भी टॉपिक को ऐसे एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ये हमको काफ़ी हेल्प करेगा लास्ट टाइम रिविज़न के लिए, लास्ट मिनट रिविज़न के लिए, जब भी आपको रिविज़न करना होगा। तो माइंड मैप इज़ अ विजुअल टूल, जैसे भी आप ये क्या करता है, आपको आपके स्टडी नोट्स को ऑर्गेनाइज करता है, आपके चीज़ों को कम समय में इफेक्टिव तरीके से याद करने में हेल्प करता है। आप एक बार में देख के सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ, इस टॉपिक में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ एक साथ समराइज हो सकता है, आपको 2-3 पन्नों कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से माइंड मैपिंग हमको नोट्स वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट मेथड है फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक क्या है, ये रिचर्ड फेमन ने दिया था और ये एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट थे। तो इनने क्या बोला था कि जब भी आपको कोई टॉपिक याद करनी हो, कुछ पढ़ना हो, ये मेमोराइजिंग को लेके है फेमन टेक्निक। बेसिकली हमारे बने बनाए नोट्स को, लाइक हमारे माइंड मैप्स जो हैं, हमारे नोट्स जो हैं, उनको याद करने से रिलेटेड है कि कैसे हम उसको मेमोराइज करें। तो जैसे हमने कोई एक टॉपिक पकड़ लिया जो भी हमें याद करना है, और फिर हम क्या करेंगे, घर में किसी भी बच्चे को या जिसको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं हो, या अपने किसी दोस्त को जो दूसरे किसी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहा है, उसको पकड़ सकते हैं और फिर उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमको उसे ये चीज़ें समझानी होती है सिंपल लैंग्वेज में, कि उसको समझ में आ जाए। लाइक मम्मी किचन में खाना बना रही है, आप चले जाओ, उनको बताने लगो कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से बताना है आपको कि ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है, कब होता है, क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आपको बताना है। या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसको पकड़ लो, उसको बताना शुरू कर दो। तो ऐसे क्या होता है, आपको चीज़ें खुद ब खुद रिवाइज हो जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एक बात और, ये चीज़ें करने के बाद आपको वापस अपने जगह पे आना है, अपने नोट्स को खोलना है और देखना है कि आपने बताने में क्या चीज़ें मिस कर दी हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप अपने मिस चीज़ों को ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये चीज़ें देखनी है आपको कि आपने क्या बताते टाइम किन चीज़ों को मिस किया है, उन गैप्स को दोबारा जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करें तो उन गैप्स को ध्यान में रख के वापस से इस चीज़ को स्टार्ट करनी है। तो ये आपको चीज़ों को याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ से। अगला जो मेथड है वो स्पेस रिपीटेशन है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक याद करते हैं तो आज याद है, 2 दिन बाद भूल जाएगा। मान लो 2 दिन बाद हमने याद किया, 1 हफ्ते बाद फिर हमने छोड़ दिया, फिर वो चीज़ वो भूल जाती है ना। तो अपने को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उसको रिवाइज करना होता है ना, चीज़ों को रिवाइज करना होता है। अब क्या करते हैं, पहले दिन हमने कोई टॉपिक पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, अपने को याद है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन वो भूलने जैसा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है, पर हो सकता है याद भी हो, बट फिर भी रिविज़न ज़रूरी है। इसलिए हम एक डे फिक्स करते हैं, लाइक पहले दिन पढ़ा, उसके 1 दिन के इंटरवल पे तीसरे दिन पढ़ा, फिर उसके बाद 4th दिन 5th दिन गैप किया, और 6th दिन फिर पढ़ा, और फिर उसके बाद 4 दिन के गैप पे 10th दिन फिर पढ़ा। इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर शुरू में ये रिवीजन बहुत फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, पर उसके कुछ दिन बाद सेम टॉपिक के लिए, क्योंकि हर रोज़ तो हर टॉपिक रिवीजन नहीं कर सकते ना, हम फिर उसी पे अटके रह जाएंगे। तो अपने को आगे भी बढ़ना है और उसको पीछे वाले को रिवाइज भी करना है, तो अपने को क्या करना होता है,
कि पहले शुरू में फ्रिक्वेंट रिविजन नीडफुल होते हैं और उसके बाद नीड होती है अपने को कि थोड़ा इंटरवल बढ़ा दिया और अब अगर हमने छठे दिन उसको रिवाइज किया तो अगले दसवें दिन पे रिवाइज करेंगे, दसवें दिन रिवाइज किया तो अगले दस दिन के गैप के बाद रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपको बीच में दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है और पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाता है। तो ये होता है स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, शुरू शुरू में किसी भी टॉपिक को बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट करेंगे और उसके रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसका इंटरवल बढ़ा के उसके बाद बड़े हुए इंटरवल के बड़े हुए टाइम पे के बाद ही उसको याद करते रहेंगे। फिर अगला मेथड है ब्लर्टिंग मेथड। ब्लर्टिंग मेथड क्या होता है, ब्लर्टिंग का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को धुंधला कर देना, बंद कर देना, छुपा देना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अब क्या करना होता है इस टॉपिक में, कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ लिए और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ अब ये तो आ गया मुझे, अब इसमें तो मेरे को महारत हो गई है, तो अब अपने को क्या करना होता है कि जो भी हमारा सोर्स मटेरियल है, जो भी जिससे भी हम पढ़ते हैं, सोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बुक मटेरियल जो भी है, उन सबको बंद कर देना होता है। और फिर उस टॉपिक के बारे में एक पन्ना ले लीजिए और उस पर जितना भी आपको याद आए, कि हाँ ये है, ये सब कुछ लिख देना है, जितना भी उस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो वो सब कुछ लिख जाओ। फिर उसके बाद आपको क्या करनी होती है कि आप अपने स्टडी मटेरियल, सोर्स मटेरियल को वापस से ओपन करोगे और चेक करोगे कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट मिस्ड है, है ना, कि कौन सी चीज़ें छूट गई मेरे से, कौन सा चीज़ रह गया, कहाँ गैप है, क्या स्टेप मैंने मिस किया। तो ये चीज़ें बार बार अगर आप करोगे, ब्लर्टिंग मेथड बार बार यूज़ करोगे, तो ये आपको आपके नोट्स को रिमेम्बर रखने में, आपके टॉपिक्स को रिमेम्बर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ही। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको एकेडमिक एग्जाम्स देने होते हैं, पीएससी के, एमएससी के, बीटेक के, एमटेक के, क्योंकि उनको वहाँ पे एग्जाम में जाके बहुत सारा राइट डाउन करना होता है, बहुत लंबी कहानी लिखनी होती है। तो उनके लिए ये ब्लर्टिंग मेथड बहुत यूजफुल है कि आपने एक टॉपिक लिया और उसके बारे में जितना कुछ याद है आपको 2 पन्नों में 3 पन्नों में सब कुछ लिख डाले। तो ये एक तरह से आप खुद का एग्जाम भी ले रहे हो और चीज़ें कहीं भी कर रहे हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी चीज़ों को याद रखने में। नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड में क्या होता है कि हम जब भी पढ़ रहे होते हैं फिर उसके बाद अगर हमारे पास खाली टाइम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए क्विजेस क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और या फिर फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, क्विजेस पजल्स के फॉर्म में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी हो सकता है किसने ऐसे अमीनो एसिड का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बहुत सारे रख लिए हैं अपने फ्री टाइम में, या फिर ऐसे डायग्राम्स, अनलेबल डायग्राम्स क्रिएट करके रख लिए बहुत सारे। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपको दूसरा फ्री टाइम मिले तो आपको इन फ्लैश कार्ड्स को उठाना है और फिर उसके बाद, जैसे अगर मेरे पास ये पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है किसी फ्लैश कार्ड पे अमीनो एसिड का, तो मैं क्या करूंगी, जब मैं फ्री होंगी और मैं मन करेगा कि मैं अपने अपने मेमोरी को टेस्ट करूं कि हाँ मुझे याद है अभी कि नहीं, इतने दिनों बाद याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं गई हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उन फ्लैश कार्ड्स को ड्रॉअर में से निकालूंगी और बैठ जाऊंगी लिखने कि हाँ ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो फिर मेरे को याद करने पर याद आएगा कि हाँ ये ग्लाइसिन है, अगर याद आ गया तो मेरे को याद है, नहीं याद आया तो फिर वापस से पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये हुआ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही अगर मेरे पास अनलेबल डायग्राम्स हैं बहुत सारे, तो मेरे को क्या करना है कि ड्रॉ से निकालना है उन फ्लैश कार्ड्स को और फिर मैं बैठ गई उसकी लेवलिंग करने। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमको चीज़ें याद करने में। तो बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको, जो डे टू डे में इसको अननोइंगली प्रैक्टिस करते होंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये फैमान है, ये पोमोडोर है, ये ब्लर्टिंग है, क्या है, बट सब लोग यूज़ करते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे यूज़ किया ही है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी किया होगा, बस आपको हो सकता है नाम नहीं पता होगा इन चीज़ों का, और जिन्हें नहीं यूज़ किया है वो यूज़ करना शुरू कर दे और फिर बताए कि उनने ये मेथड इफेक्टिव लगा या नहीं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कभी ये मेथड पहले यूज़ किया है, आपको इस मेथड के नाम पता थे या नहीं पता थे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, थैंक यू।